ਮੰਗਿਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉਹ ਤੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਲਿੱਕ आपके भाई ने रोजा नहीं रखा क्योंकि मैं रात को लेट सोया था ना, तो सुबह घर वाले उठाते रहे हैं लेकिन नींद जो आई थी ना मुझे वो उठाते रहे जा भी नहीं। तो सुबह फर्स्ट टाइम मैंने नमाज भी जो फजर की ना वो बहुत लेट पड़ी है, तकरीबन 10 से 12 मिनट रहते होंगे कज़ा में, तो उससे पहले मैंने पढ़ ली थी। और दूसरा ये कि हमारे स्कूल की जो टाइमिंग है ना रमज़ान शरीफ में वो तकरीबन सारे स्कूलों की चेंज हो जाती है, तो टाइमिंग इन्होंने रखी थी 7:30 से 12:30, तो वो भी ना जो बच्चे हैं ना वो पहले 8:30 आते थे ना, तो सुबह जब मैं गया उनके घर तो वो सो रहे थे, तो मैंने कहा आपको टाइमिंग का नहीं पता, कहते पता है लेकिन जा जो है ना वो नहीं आई, तो एक ये मसला बन गया था। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ज़रूर रखेंगे, तो मैंने कहा था यार क्यों ना यहीं से भी लोग जो है ना अपना वो स्टार्ट कर लें। ये हमारे स्कूल का ना जनरेटर है, तो ये ना इस दफ़ा हमने स्टार्ट किया, पहले स्टार्ट हो गया था उसके बाद जो है ना इसने करंट ना छोड़ दिया था, जब चेक करवाया ना तो ये वाली कॉइल जो है ना ये ख़राब हो गई थी। जो मैकेनिक था ना उसने कहा है कि यार ये जो है ना ये मिल रही है मेरे ख्याल में सुगोता से, तो आज रिजवान भाई गए तो हुए हैं, एक तो उन्होंने मूवी ऑयल लेना था गाड़ियों का, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा महंगा मिलता है वहाँ से मिलता है सस्ता, तो वो ड्राइवर को ले लेना साथ गए हैं ऑयल गाड़ियों का लेने, और दूसरा ये कह रहे थे कि भाई ये ज़ियाद से जो है ना ले आऊँगा, क्योंकि गर्मी आ गई है तो गर्मियों में अक्सर जो है ना लाइट हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा ही जाती रहती है, मतलब कि कम आती है, तो वो कह रहे थे कि जनरेटर का होना लाजमी है, क्योंकि आधी आधी क्या पूरी टीचर ही होती है, मसल जिन्होंने रोज़े रखे होते हैं और बच्चे भी हैं, हमारे गार्ड अंकल भी हैं उन्होंने ना रोज़ा रखा हुआ है, लेकिन वो इधर बाहर बैठे थे मैं अंदर बैठा था, मैंने कहा यार आप अंदर आ जाएं, लेकिन पंखा बंद मैंने खुद किया है, लाइट अभी है। ये बेचारे ने रोज़ा रखा है लेकिन रोज़े में भी ना इसको चैन नहीं है, धूप में घूम फिर रहा है। उस्ताद जी बह जो गर्मी तुम्हें पता था बड़ी इधर रोज़ा आती किसी रखे, गाड़ियाँ हमने इस साइड पर खड़ी हुई हैं छाँव पर ना, पहले हम बाहर खड़े करते थे लेकिन यहाँ पर ये रास्ता है तो अक्सर रास्ता बंद हो जाता है। गार्ड अंकल को ना बेचारे को नींद आई थी ना, तो उनको मैंने बोला आप हल्का सा लेट जाएँ, मैं इधर ही हूँ, कोई मसला वगैरह हुआ ना मसलन के कोई पूछने आया तो मैं बता दूँगा, क्योंकि उनका रोज़ा है यार हमारा तो रोज़ा भी नहीं है, तो मैंने कहा आप टेस्ट करें। ये वाला डबरा जो है ना वो बाबे ने छाँव के लिए बनाया था, मसलन के जानवर थे ना तो उनके लिए छाँव बनाई थी, ये तकरीबन 3 से 4 दिन में बना है, और यकीन करें उनकी सेहत देख के लग नहीं रहा था कि ये वो कम्प्लीट कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने अकेले ने वो काम सारा किया है। तो उसके बाद ये इनकी ज़मीनें वगैरह भी हैं, ये वो पट्टे वगैरह जो बोलते हैं ना चारा वगैरह जानवरों के लिए वही काटते हैं लगाते हैं, भी वही हैं ज़मीन में। तो जब मैंने एक दफ़ा उनसे पूछा कि मैंने कहा बुज़ुर्गों आपकी इतनी उम्र हो गई है तो इतनी ताकत वगैरह, कहते हैं हम उस दौर में ना देसी घी वगैरह खाते थे, जो आज के दौर में भाई साहब 1000-1500 तक मैक्सिमम हमने कर लिया है ना, 1500 रुपये तक किलो मिलता है, डालटे की गुंजाइश नहीं होती आज की आवाम को, उन्होंने देसी घी तक नहीं। इमरान खान जिंदाबाद, ये बुज़ुर्ग हैं जी सामने आ रहे हैं, इन्होंने ये बनाया। हाँ जी लेना क्यों है इमरान खान, बल्ले बल्ले वही बात है ना, वो बुजुर्ग आते साथ ही कह रहे हैं कि 200 का घी ला के दे। मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि यहाँ भाई साहब देसी घी की, इनसे मैंने पूछा था तो देसी घी की बात कर रहे थे, यहाँ डालडा खाना बड़ा मुश्किल हुआ लेकिन फिर भी इमरान खान देता। अभी ना रिजवान भाई सुकोता से आ गए, ऑयल वगैरह जो नया था वो लेके आए हैं, तो वो आपके साथ ही कह रहे थे कि छुट्टी आज जो है ना वो 12 बजे आनी है, तो मैंने कहा वो पहले तो आप 12:30 कह रहे थे, वो कह रहे थे यार मेन कैंपस से अभी फ़ोन आया है, तो उन्होंने कहा 12, क्योंकि मेन कैंपस सरकोता में है ना, तो उन्होंने टाइमिंग बतानी होती है सरकोता वालों ने कि कितने बजे स्कूल आपने लगाना है और कितने बजे यहाँ छुट्टी होनी है, तो वो कह रहे थे कि छुट्टी आप 12 बजे कर देना, तो मसला एक तो हल हो गया भाई साहब, क्योंकि वहाँ भी टाइमिंग सेम थी, इनको भी 12:30 थी, उनको भी 12:30 थी, लेकिन अब अल्लाह का करम है कि कुछ बेहतर हो गया, अब इनको 12 बजे हो गई, इनको 12:30 आ गई। और एक और बात जो है ना गा रहे कह रहे थे कि ये इसमें चाय ले गया था ना, तो इसको अभी 1 month सुकून है, अभी पहले हमें इस टाइम में टेंशन लगी हुई थी कि बाबू यार चाय लेने जानी चाय लेने जानी, अभी तो फिर हाल रोजे चल रहे हैं ना, तो 1 month इसकी टेंशन। सामने देखें रोड बंद हो गया, जानवर ही जानवर आ गए हैं, ये देख वो वहाँ तक लंबी लाइन लगी, अभी ना ये पीछे ना रह गया था, तो इसको छोड़ने के लिए मैं इसकी गाड़ी जा रहा हूँ, पहले इसको मैंने उतारा था हरमोन के घर आसम,
भाई का भतीजा लगता है ना, तो उन्होंने फोन किया कि ये हमारे घर इनको छोड़ दिया। अच्छा की होया फिर की होया? तित्तर कितने रखे नहीं? मैं ना नमाज पढ़ रहा था तो भाई की एक तो वीडियो कॉल भी आई थी, दूसरा इसने मुझे बुलाया नमाज पढ़ते टाइम की यार बात सुनना, तो अभी आया हूँ तो कहता फोन खराब है। ये तकरीबन रोजमर्रा का काम है। की बने हुण दसो? नहीं 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 यार, तीन चार दिन हो गए, तो बात नहीं होने दिन हो गए भाई जी। मैं तेरे को कोई गाली पूछूं? अच्छा जी, हुक्म करो पूछो। ये जी मोबाइल में मेरा शागिर्द खास है, मोबाइल मैंने इसको सिखाया हुआ है। यार को साल भी भूखा मारो, उसमें रोजे रख लिए यार। यार इंशाल्लाह इंशाल्लाह सुबह मैंने रोजा रखना है। पहले वाई फाई चला से मैं पहले चल सही चल रहा है मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, वो तो हट के ना इस एक तो मंगया फंक्शन हो ओ तू क्लिक करता क्लिक दोबारा कहना 2500 है ओए रब्बा का 2500 का दाल है दस। ये भाई जी जान डेरे पे गए थे जहाँ मैं ना इनका भतीजा छोड़ गया था ना, वहाँ पे गए हुए थे, तो बाद में इन्होंने मुझे फ़ोन किया। मैं वीडियो से अपलोड कर रहा था लेकिन वो अभी तक अपलोड नहीं होने। 35 उधर नहीं पूरे होंगे ओला लित्तर भी मार देना। वट्टा मार लग गई नहीं। ये अफ्तारी टाइम जनाब, इस टाइम ना रश बन जाता है हमारे बाजार में। पीछे भी समोसों वाली दुकान है और इधर भी दुकान है समोसों। ये आसिफ भाई ने न्यू दुकान डाली थी ना समोसों वाली। हाँ तेरी यार भाई जान रोज रख रहे हो, तराबियां पढ़ ली हैं अब बंदे ने नाल लै के आए तो जूस पियाओ सन ठंडे जेड़े दो जूस दे। अभी भाई मानी का फोन आया तो फोन सुनने लगे। पहले दुआ आने के सामने अल्लाह फोर टाइम ना करी, जो कट्ठे करते पहले कबर च रख के आने जल्दी रख देंगे। सन भी जूस भाई दे दो साज चुके दो जूस चाहिए भाई जान। नहीं नहीं गरीब बंदे भी दे दे क्यों ओ यार बड़े फ्रूट मैन बड़े चंगे लगते हैं। ए ला चल दे 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 त्रीया दे दे त्रीया दे दे यार। अभी भाई के पास है, रात का टाइम हो गया जनाब, ईशा की नमाज पढ़ी थी तो उसके बाद हम चले गए थे दोस्तों के पास। अभी आए हैं जूस पीने लगे हैं जनाब। ए ला की नवी लई है? ठीक गड्डी लई इंजन खोलना पे गया भाई उन्होंने गड्डी दी थड़ी त्रुट गई आज इस दी। तो खैर जी आज का व्लॉग यहीं कंप्लीट करते हैं। जिस भाई को वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। यार पता नहीं कितने दिन हो गए और एक तो व्यूज़ नहीं आ रहे भाई जान, अभी तो अच्छे खासे सही व्लॉग बन रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने भाई नदीम अली को दीजिए इजाज़त। अगर अल्लाह ने चाहे जिंदगी ने वफा की तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।